हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रांजल बायो फोटोन ट्यूब। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आपकी अच्छे से हेल्प करता हूँ। मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ ट्रिक्स समय लगा करके बहुत अच्छे से तैयार की हैं। आपने देखा होगा, अब जब लोग कॉम्पिटिशन देने के लिए जाते हैं तो अक्सर उन क्वेश्चनों को देख करके उलझ जाते हैं, दिमागी नहीं काम करता कि कैसे करें, बस उसी में क्वेश्चन में गोल गोल घूमते रह गए। तो उसी की रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि जिनको आप जब देखेंगे ना और इम्प्लीमेंट करेंगे तो चुटकी बजाते हुए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। टाइप नंबर वन में क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अब आपसे ये क्वेश्चन किया गया। तो बच्चों अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है। आप देखेंगे कि हमारे पास में वस्तु को जो है बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य हमें केवल दे रखा है। क्या दे रखा है, चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं। हम लोगों को दे रखा है विक्रय मूल्य कितना, 56 रुपये दे रखा है। अब इस विक्रय मूल्य को हम क्या करें, ना हमारे पास में प्रतिशत लाभ पता नहीं, हमारे पास में क्रय मूल्य ये भी नहीं मालूम। अब एक चीज दे रखी है और हमसे एक ही चीज पूछ ली गई, बस हमें बता क्या दिया गया क्वेश्चन में कि जितना उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। यानी कि इनकी ये कंडीशन उन्होंने रखी हुई है, शर्त रखी हुई है। शर्त क्या रखी, कंडीशन क्या रखी है कि लाभ परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू क्रय मूल्य, बस हमें ये दे रखा है। अब हम इससे क्या करें, कैसे दिमाग लगाएं? तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ा, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमें कंसंट्रेट करना है अपने माइंड को, वो केवल इस नंबर पर कंसंट्रेट करना है। ओके, तो हमारे पास में है क्या, दैट इज द 56 यानी कि 56 दे रखा है। तो देखिए अब मैं आपसे ट्रिक की बात करता हूँ। तो देखिए ट्रिक में यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है। तो हमने जब आइडेंटिफाई किया तो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि ये लाभ की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, लाभ की कंडीशन। ओके, ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अभी मैं आपसे बाद में पूछता हूँ तब आप बताइएगा। तो देखिए लाभ की बात करते हैं, ये लाभ है। तो हमें क्या करना है, हमें लाभ के केस में ऐसे फैक्टर करने हैं, लाभ के केस में ऐसे फैक्टर जिनको फैक्टर नहीं पता है, उसका मतलब होता है गुणनखंड। ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर यानी कि क्या डिफरेंस कितना हो, 10 हो। ओके, ये थी मेरी ट्रिक। अब बहुत से लोग हमारी क्लास में या आप लोग देख रहे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि भाई गुणनखंड कैसे करते हैं। तो ठीक है, गुणनखंड आपको बता दें कि यहाँ से 56 का बेसिक रूल अपनाइए और इस तरीके से इसको फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना।
देखो हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे, 2 से जब इसको करेंगे तो देखो 28 आ जाएगा, फिर 28 से 2 से कर देंगे, फिर 14 आ जाएगा, फिर 14 से 2 से करेंगे 7 आ जाएगा। ये तो फैक्टर हो गए, ये हो गए आपके गुणनखंड। अब हमें इस गुणनखंड में ऐसे जो है पेयर को बनाना है, फॉर्म करना है, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ओके, तो देखिए 7 2 जा 14, एक तो हमारा 14 हो गया और दूसरा कितना हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो देखिए हमारा एक फैक्टर आया 14 और दूसरा कितना आया, 4। अब हम अपनी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या बोला गया था कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस यानी कि अंतर 10 होना चाहिए। तो ठीक है भाई, देख लो 14 - 4 = 10 हमारा आ गया। बस अब हमें यहीं पे हमारा आंसर भी आ गया। कहेंगे आप कहाँ आंसर आ गया, तो ठीक है यहाँ पर जो छोटा नंबर हो, जो छोटा फैक्टर हो, जो छोटा फैक्टर हो, उसने क्या लगा दिया, बस 0 लगा दीजिए, वो भी आंसर। जैसे 4 है, ये लगा दीजिए, 40 इज आंसर। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट टाइप हमने किया, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है। यानी कि पहला जो हमने केस डिस्कस किया था वो किसका किया था, प्रॉफिट का किया था, और ये हम किसका केस स्टडी कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लॉस का केस स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, आप थोड़ा सा अपने भी माइंड पावर को जनरेट करिए और कोशिश करिए चीज़ों को याद करने की, और ना हो तो आप अपने बीच में वीडियो को पॉज कर करके जो है आप अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो हमने देखिए क्या बताया था लाभ के केस में, क्या बताया लाभ के केस में, मैंने आपको बोला था कि जो फैक्टर है ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, 10 का डिफरेंस, डिफरेंस होना चाहिए। ओके, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर हमने दूसरी क्या बात बताई थी, जो छोटा फैक्टर है, छोटा फैक्टर में 0 लगा दो, में 0 लगा दो, आंसर रेडी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने लाभ का केस था, लेकिन हम भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर जो है लॉस का केस स्टडी कर रहे हैं। तो देखो ये तो हो गई हमारे प्रॉफिट की बात, अब हम चलते हैं लॉस के केस की बात। तो लॉस के केस में भी वही सेम ट्रिक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। क्या हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, दिस इज द 25 नंबर, बात बाकी कुछ दे ही नहीं रखा। अगर हम बात कर लें किसी वस्तु बेचने पर, यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस SP, और क्रय मूल्य का मतलब है CP। ठीक है ना, मैं जरा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो देखो हमें हमें क्या दे रखा है, SP दे रखा है, SP का मतलब कितना, 25, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू CP, ये उन्होंने मुझे कंडीशन दे रखी है। तो हमने आपसे क्या कहा था, क्या करिए भाई, हमें फोकस तो इसी पे करना है केवल, हमारे पास में तो ये 25 ही दे रखा है, हमें 25 में ही कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, बस आंसर लेकर के आना। ठीक है ना, ये याद रखना कि ये मैं जो आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ अभी, जो ट्रिक्स आपको अप्लाई करने के लिए दे रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्पिटेटिव के लिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर समय भी कम रहता है, एक क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि मुश्किल से 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड मिलता है, और उसी में जो है आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसी में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, उसी में सॉल्यूशन भी निकालना है, उसी में आपको टिक भी लगाना है। ठीक है ना, तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन का लेवल में हमें इतना ही शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखो भाई हमारे पास में 25 है, ठीक है ना, 25 हमने क्या करना है, 25 के फैक्टर करना है। ठीक है ना, अब फैक्टर करना है, तो देखिए 25 के फैक्टर हो ही क्या सकते हैं,
कॉमन सी बात है, क्या 5 into 5 दो, यही दो फैक्टर ही है, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो देखो हमें यहां पर ट्रिक क्या लगानी है, प्रॉफिट के केस में क्या था डिफरेंस, और देखो लॉस के केस में, लॉस के केस में हमें फैक्टर ऐसे करने हैं, करने हैं कि उन फैक्टर्स का एर, उन फैक्टर्स ऑब्लिक गुणनखंड का सम यानी कि जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ 10 होना चाहिए। ओके कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो अब आप कहोगे इसमें तो सर दोनों बराबरी बराबर हो गया, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या चाहिए, हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में चाहिए जो बड़ा फैक्टर है, यहाँ का अपोजिट, यहाँ पे हमने छोटा फैक्टर लिया, अब यहाँ पर क्या ले लो, बड़ा फैक्टर ले लो, ठीक है ना, जो भी बड़ा फैक्टर हो, जो भी बड़ा फैक्टर हो उसमें जीरो लगा दो, उसमें जीरो लगा दो, आंसर इज रेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि 5 प्लस 5 यहाँ पे दोनों बराबर है, तो चाहे किसी में भी लगा दीजिए, चाहे इस वाले 5 में लगा दो, चाहे इस वाले 5 लगा दो, किसी में भी लगाओगे बात तो एक ही आएगी। तो देखिए क्या किया, ये लीजिए आंसर रेडी, 50 आ गया, इट इज क्लियर। तो देखिए ये इस तरीके से ट्रिक्स थी, कहिए मजा आया, क्वेश्चन आपने पढ़ा, हमने तो आपको ये इतना सारा डिटेल बताया। अब चलिए हम अपनी बात करते हैं, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ था कि भाई छुट्टी बजाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसे, आइए बात करते हैं। किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतनी प्रतिशत की हानि होती जितनी वस्तु की लागत है, 25 किसका केस है, लॉस का केस है, तो हमें क्या करना है, 25 के फैक्टर करने, 25 के फैक्टर कितने, 5 into 5, 25 के फैक्टर कितने हैं, 5 into 5, इनका ऐड कितना हो गया, 10 हो गया, ओवरऑल कर लेंगे ये तो सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब एक संख्या जो हमने, जो हमारा बड़ा फैक्टर था, हमने उसी को पकड़ लिया, उसमें लगा दिया 0, आ गया 50। कितना समय लगा, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड भी नहीं लगे होंगे और आपका आंसर आ गया। तो देखिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी करें और लोगों को प्रमोट भी करें कि अच्छी से अच्छी ट्रिक्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। और हम कंपटीशन से जितनी भी चीज़ें हैं, जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो आपका UPSC का मटेरियल, चाहे वो आपका UPSC का मटेरियल हो, चाहे वो UPSI हो या लेखपाल हो या UPTET एग्जाम हो, हम आपके लिए सारे कंपटीशन की तैयारी यहाँ पर करवाएंगे, सारा का सारा जो है हम आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए इतनी मैंने अच्छी सी ट्रिक्स बताई, तो यार कम से कम फ्रेंड्स जो है इसके लिए एक लाइक तो बनता ही, तो आप देखें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ओके, थैंक यू।